तो हेलो ब्रो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहादुर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आएगा। कितने नंबर के? 5 नंबर के आएगा मेरे दोस्त, पक्का कन्फर्म, कोई की रोक नहीं सकता, ये आएगा ही आएगा, कन्फर्म रहता है। बहादुर या लाठी, तो बहादुर आप देख लीजिए, लाठी को भी मैं बता दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। देखो बहादुर क्या है, अमरकांत जी, देखो पहले इसको मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। बहादुर एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, और ये नेपाल का है। सिर्फ सुन लीजिए एक बार, ईयरफोन लगा के आपको समझ में आ जाएगा। देखो बहादुर क्या है, गरीब लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, और 12 से 13 साल में ही घर छोड़कर चला गया। अब दूसरे के यहाँ 12-13 साल में जाएगा तो क्या होगा, नौकरी रहेगा ना, पढ़ेगा, पढ़ा लिखा रहेगा नहीं, 12-13 साल में कौन सी नौकरी उसे मिल जाएगा। तो नौकर का काम करने लगा। तो नौकर का जब काम करने लग गया, ध्यान से सुनिएगा, नौकर का जब काम करने लग गया तो कुछ दिन बाद जहाँ पे वो काम करता था, उनके जो उसके मालिक थे उन्हें प्रताड़ना करने लगे, उनको गालियाँ देने लगे। अब जब गाली, देखो यार, किसी के यहाँ तुम लगातार काम करते रहोगे अगर ना ज़्यादा दिन, तो तुम्हारा अपमान होने लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। जब छोटे हो, नौकर का काम कर रहे हो, तो ये होता ही होता है, मालिक लोग ऐसा करते ही करते हैं, है ना। तो फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनको गालियाँ देने लगी, प्रताड़ना होने लगा। अगर कोई दूसरा पैसा चुरा लेता था तो उनका भी इंजाम किसको लगता था, बहादुर जो कि एक लड़का है, ठीक है, बहादुर को ये लगता था कि बहादुर ही चोरी किया है। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसको मारने पीटने लग गए। तो मारने पीटने लग गए तो भाई कितने दिन कोई सहेगा। तो बहादुर भी एक लड़का था, वो छोड़ छाड़ के चला गया। जब छोड़ के चला जाता है तब उनके मालिक को एहसास होता है कि मैं तो बहुत भारी गलती किया है। तो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुन गई खेत तो पछताए होत क्या, ऐसे कुछ करके, है ना। तो मतलब पछताने से क्या फ़ायदा जब समय बीत गया। तो वो क्या होते हैं, उनके मालिक बोले, कहते हैं कि तुम लौट आओ, बार बार बोलते हैं बहादुर से, लेकिन बहादुर नहीं आता है। तो इसी कहानी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा मैं। देखो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी है। किसके द्वारा? अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी। कहानी कौन सी है? बहादुर है। क्या है? बहादुर लिख लो। क्या है? बहादुर। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार के में क्या है, नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। ध्यान सुनिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा, मतलब जो उनके परिवार मालिक के, उनके द्वारा किए हुए बहुत कट व्यवहार की कहानी है ना, ये कहानी है। तो बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। उनकी माँ उनको डांटती है, है ना, कि तू पढ़ता नहीं, ऐसे कर करके डांटती उठती है। तो क्या करता, वो उसी के कारण से घर को छोड़ देता है। कितने साल में? 12-13 साल के, जो कि समझ ही सकते हैं कितना छोटा हो सकता है। जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर को छोड़ शहर चला जाता है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। कोई निर्मला है, उनके परिवार में क्या हो जाता है, नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, किसी के यहाँ तुम काम करोगे तो अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, सुनो ध्यान से, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। कठोरता बरतने मतलब कि उसके ऊपर कड़ाई ज़्यादा करने लगते हैं, कि ये ऐसा नहीं करता, ऐसा वैसा नहीं करता, ऐसे कुछ करके बोलने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ क्या होता है, गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब उसको गाली गलौज दिया जाता है, मारपीट भी होने लगती है, उसको मारते बहुत ज़्यादा है, गालियाँ भी बहुत पड़ती है, उसको सुनाई देती है। तो ठीक है ना, तो धीरे धीरे उसके साथ क्या हो गया, इसको आप अपने मन से बना के लिखिएगा ना, एक बार सुन लो खाली बस, उसको क्या हो गया, मारने पीटने लग गए। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और उसे पीटा भी जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर बाद में बहादुर क्या हो जाता है, घर छोड़ के चला जाता है गुस्से में। अब परिवार के सभी सदस्य उससे ढूंढते हैं, जो मालिक हैं, मालिक के घर वाले सभी लोग उसको खूब ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदि हो चुके थे। क्योंकि बहादुर एक नौकर था और बहादुर लगातार काम करता था, और उसके घर वाले जो थे, जो मालिक के घर वाले थे, वो आराम से सोए रहते थे, सब कुछ बिस्तर पे ही मिल जाता था उनको, है, क्योंकि उसके कारण सब आराम से आदि हो गए। बहादुर के घर छोड़ के जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। फिर कहते हैं ना कि जब कोई चला जाता है तब उसकी अहमियत पता चलती है, तो वही चीज़ है। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुक गई खेत, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। क्या है? उसके इसी चरित्र के कारण, क्योंकि उसके यहाँ क्या स्वाभिमान, सहनशीलता और ईमानदारी भी उसके अंदर कूट कूट के भरा है, और इसीलिए यह कहानी क्या है, हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है। आई होप समझ जरूर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा था।